आपके पास दिमाग हो ना तो यू कैन डू एनीथिंग। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज मी डी जिंकी नाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को लेके जाऊंगा एक छोटा सा व्लॉग जो आपका चंद्रपुर में है, चंद्रपुर जहाँ पे आपका ये सोनापुर रास्ता है, सोनापुर रास्ता से जाके डिगारू जहाँ से निकलता है वहीं बाइलेन में घुस के आपको राइट साइड में लेना पड़ता है। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बाद में बोलूँगा कहाँ पे है ये जगह और एड्रेस भी मैं आपको बोलूँगा। और ये एक जगह है जो जहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है और आप पिकनिक प्लेस के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह होने वाली है। अगर यहाँ का जो लोकल आदमी है ये लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा जगह में पिकनिक खाने का मौका ज़रूर मिलेगा। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं हुआ है पिकनिक प्लेस के लिए। शायद मेरी ब्लॉग जब मैं रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करने के बाद अगर आप लोग को पसंद आता है कि ऐसा जगह में हमको भी जाना है तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट ईयर पिकनिक प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बोल के नहीं, जब गर्मी का मौसम है आप अच्छी तरह से नहा भी सकते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा झरना है वो झरना में आप डुबकी लगा के सुकून की मतलब एक पिकनिक कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो चलिए मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। कम ऑन, लेट्स गो। आपको आना पड़ेगा ये चंद्रपुर जो थाना है, थाना से पहले एक राइट साइड में जो पानबारी रोड गया हुआ है वहाँ से आपको डायरेक्टली सोनापुर डिगारू निकल सकते हैं आप। उसी बैलेंस से आपको थोड़ा आगे जाके आपको राइट हैंड साइड में आपको जाना पड़ेगा, तो उसी बैलेंस से आपको ये डेस्टिनेशन तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट। चलिए। कभी भी अगर आपको एक छोटा मोटा पार्टी करना है तो इसी टाइप का जंगल में आके झरना में आके आप लोग पार्टी कर सकते हैं। बहुत ही कूल जगह है, सुनसान एरिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी खाते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं आदमी लोग। एक बात बोलूं, ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक प्लेस हो सकता है अगर यहाँ का जो लोकल आदमी है उन लोग ये जंगल जो है ऑलरेडी साफ़ सुथरा किया हुआ है और अच्छा से अगर साफ़ सुथरा करके ये पिकनिक प्लेस के लिए रेडी कर देना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक के लिए आदमी आएंगे, 100% श्योर।
मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए जंप करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। आपको एक चीज़ मालूम है, ये क्या कौन सा पेड़ है? ये आपका रबर का प्लांट है। रबर, मैं आपको अच्छी तरह से पेड़ दिखा देता हूँ। यहाँ से ही रबर बनता है। ये जो कट के ये लोग कटा हुआ है ना, यही है रबर। ये देखिए, ये खींचने से लंबा हो जाता है, तो ये रबर बहुत काम की चीज़ है। आज इतना ही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वो प्रेस करने से ही मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड जॉय आयो होम। बाय बाय।